नमस्कार, आपका स्वागत है राजनामा टीवी पे। मैं पूनम आपके साथ। शरद पवार के भतीजे अजीत पवार ने महाराष्ट्र में विपक्ष के नेता का पद छोड़ने की इच्छा जताई है। अजीत ने बुधवार को पार्टी नेतृत्व से अपील की थी कि उन्हें महाराष्ट्र विधानसभा में विपक्ष के नेता की जिम्मेदारी से मुक्त किया जाए और पार्टी संगठन में कोई भूमिका सौंपी जाए। इस पर उनकी बहन और पार्टी की सांसद सुप्रिया सुले ने मीडिया से बातचीत में कहा, मैं चाहती हूँ कि अजीत दादा की हर इच्छा पूरी हो। दादा को संगठन में मौका देना या नहीं, ये संगठनात्मक निर्णय है। मुझे बहुत खुशी है कि दादा संगठन के लिए काम करना चाहते हैं, इससे कार्यकर्ता उत्साहित हैं। एनसीपी चीफ शरद पवार ने 10 जून को अपनी बेटी और सांसद सुप्रिया सुले और पार्टी महासचिव प्रफुल्ल पटेल को कार्यकारी अध्यक्ष बनाया। इसके बाद अजीत पवार की नाराजगी की खबरें आई, हालांकि उन्होंने इससे इनकार किया था। शरद पवार ने भी कहा कि अजीत पहले से ही विपक्ष के नेता के तौर पर बड़ी जिम्मेदारी निभा रहे हैं, वे राज्य देखेंगे। अजीत पवार ने महाराष्ट्र में विपक्ष के नेता पद छोड़ने की वजह भी बताई। पवार ने कहा, मुझे कुछ लोगों ने बताया है कि विपक्ष के नेता के तौर पर जिस तरह का मेरा व्यवहार होना चाहिए वैसा मैं नहीं करता, मैं सरकार के खिलाफ नहीं बोलता, ऐसा नहीं है, लेकिन फिर भी लोगों को ऐसा लगता है तो मैं पद छोड़ने के लिए तैयार हूँ। वैसे भी मुझे विपक्ष के नेता के तौर पर काम करने में कोई दिलचस्पी नहीं थी, पार्टी विधायकों की मांग पर ही मैंने यह पद स्वीकार किया था। इसी के साथ बने रहे राजनामा टीवी के साथ। धन्यवाद।